हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के तीसरे भाग के प्रथम अंश के बारे में। और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि पूरे विश्व में जो है विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय दाब पट्टियां पाई जाती हैं, तो इन वायुमंडलीय दाब पट्टी के बीच में पूरे वर्ष भर जो है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर हवाएं चलती हैं और इन हवाओं को हम कहते हैं भूमंडलीय पवने, जिसे हम प्लैनेटरी विंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हवाएं जो हैं ये एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर पूरे वर्ष भर चलती हैं और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। तो इस चित्र में यहाँ हम देख सकते हैं हरे रंग की जो हमें दिख रही हैं ये विभिन्न प्रकार की वायु दाब पट्टियाँ हैं जो पाई जाती हैं पूरे पृथ्वी पे। और इन वायु दाब पट्टियों के बीच में यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ पवने हमें दिख रही हैं चित्र में। तो ये पवने जो हैं पूरे वर्ष भर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहते हैं और इन्हीं हम कहते हैं भूमंडलीय पवने। तो यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं ये जो पवने हमें विभिन्न वायु दाब पट्टियों के बीच में दिख रहे हैं ये कहलाते हैं भूमंडलीय पवने। और अगर हम इनके उत्पन्न होने के कारण को देखें तो वायु संवहन और कोरिओलिस प्रभाव जो है या बल, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जाना, तो ये दोनों प्रमुख कारण होते हैं भूमंडलीय पवन को उत्पन्न करने के लिए, यानी इनकी उत्पत्ति होती है वायु संवहन और कोरिओलिस बल के कारण। अब ये जो विभिन्न वायुमंडलीय दाब पट्टी के बीच में भूमंडलीय पवन जो पाए जाते हैं विषुवत वृत्त से लेके ध्रुव की ओर, यही भूमंडलीय पवन के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय समान परिसंचलन कहा जाता है। यानी ये वायुमंडलीय पवन जो है ये कैसे एक वायुदाब पट्टी से दूसरे वायुदाब पट्टी की ओर बहते हैं, तो इनके प्रारूप का जब हम अध्ययन करते हैं पूरे विश्व में तो इन्हीं हम कहते हैं वायुमंडल का समान परिसंचलन यानी जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोसफेयर। तो अब हम इन सभी भूमंडलीय पवन के प्रारूप को जानेंगे। तो ये जो भूमंडलीय पवन है ये सभी समान गति और दिशा में बहते हैं, यानी एक वायुदाब पट्टी के बीच में पाने वाले भूमंडलीय पवन जो है उनकी दिशा जो है वो समान होती है और जो गति है वो भी समान होती है। और अगर हम प्रत्येक गोलार्ध में देखें तो तीन पवन बेल्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये जो पवन होते हैं भूमंडलीय पवन ये भी बेल्ट के रूप में हमें दिखते हैं पूरे पृथ्वी पे। और ये पवन है व्यापारिक पवन और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ जो हमें विषुवत वृत्त के पास देखने को मिल रहे हैं ये पवन, ये होते हैं व्यापारिक पवन जिसे हम ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे प्रमुख प्रकार के भूमंडलीय पवन जो होते हैं वो होते हैं पछुआ पवन। और इस व्यापारिक पवन के नीचे जो यहाँ हम देख रहे हैं इसे ही हम कहते हैं पछुआ पवन, जिसे हम वेस्टर्डलीज के नाम से भी जानते हैं। और ध्रुवों के पास जो भूमंडलीय पवन देखने को मिल रहा है ये होते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवन, जिसे हम पोलर स्टर्लीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी तीन प्रकार की जो भूमंडलीय पवन है ये भी पट्टी के रूप में हमें पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। और ये सभी पवने जो हैं ये समान गति और दिशा में बहते हैं, यानी अगर हम व्यापारिक पवनों को देखें तो ये दो वायुदाब पट्टियों के बीच में समान गति और दिशा में बहते हैं। उसी तरह पछुआ पवन भी दो वायुदाब पट्टियों के बीच में समान गति और दिशा से बहते हैं। और ध्रुवीय पूर्वी पवन जो है ध्रुव के पास जो है यहाँ पे भी दो वायुदाब पट्टियों के बीच में ही समान गति और दिशा से बहते हैं पूरे वर्ष भर। तो यहाँ हमने जाना कि तीन प्रकार के वायुमंडलीय दाब पट्टी के बीच में जो है कौन कौन से भूमंडलीय पवन बेल्ट पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके विस्तार से इन भूमंडलीय पवन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे व्यापारिक पवनों के बारे में। तो यहाँ विषुवत वृत्त के पास जो है उच्च सूर्य ताप से जो है यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है, यानी उच्च सूर्य ताप होने के कारण यहाँ
अधिक होता है, जिसके कारण यह निम्नदाब क्षेत्र बनता है। और यहाँ पर उष्ण कटिबंध से आने वाली पवनें जो है इस निम्नदाब क्षेत्र में आके अभिसरण करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को निम्नदाब क्षेत्र जो यहाँ होता है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये पवनी जो आके यहाँ पे अभिसरण करें इन्हें ही हम कहते हैं व्यापारिक पवनी। और अगर इनकी स्थिति देखें तो ये पाए जाते हैं 0° से 30° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। और इन्हें ट्रेड विंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले नाविकों के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। अब यहाँ हम एक बार फिर देखेंगे व्यापारिक पवने की दिशा के बारे में और जानेंगे कि कैसे उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा से ये बहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये किस दिशा से बहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो व्यापारिक पवनी जो है उत्तर पूर्व से आती है, इसलिए इन्हें हम उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये व्यापारिक पवनी जो है ये दक्षिण पूर्व से आते हैं, इसीलिए इन्हें हम दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाओं के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि व्यापारिक पवनों की दिशा जो है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। अब यहाँ हम जानेंगे दूसरे भूमंडलीय पवन के बारे में जो है पछुआ पवन। तो पछुआ पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र के 30° से 60° अक्षांश के बीच में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इनकी स्थिति जो है ये 30° से 60° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। और इनकी दिशा के बारे में अगर हम देखें तो पछुआ पवन जो है अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो ये पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम हवाएं होती हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये पछुआ पवन जो है उत्तर पश्चिम हवाएं होती हैं। तो इस तरह व्यापारिक पवनों की तरह पछुआ पवन भी जो है ये विभिन्न दिशा से आते हैं उत्तर गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में। अब हम जानेंगे ध्रुवीय पूर्वी पवन के बारे में। तो यहाँ ध्रुव के पास जो भूमंडलीय पवन पाया जाता है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवन। और अगर इनकी स्थिति देखें तो ये पाए जाते हैं 60° से 90° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। और यह उच्च दाब ध्रुवीय क्षेत्रों से 60° उत्तर और दक्षिण निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, यानी ध्रुवों के पास जो है उच्च दाब क्षेत्र होता है। जबकि यहाँ पे हम 60° पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है। तो ये ध्रुवीय पूर्वी पवन जो है ये उच्च दाब क्षेत्र से यहाँ 60° पे पाए जाने वाले निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व ध्रुवीय पूर्वी पवन के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व ध्रुवीय पूर्वी पवन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक बार हम फिर से तीनों पवनों के दिशा के बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो ये है तीन भूमंडलीय पवन, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवन। तो ये व्यापारिक पवन हैं जो अभिसरण क्षेत्र में आके यहाँ पर अभिसरण कर रहे हैं। और इनकी स्थिति होती है 0° से 30° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। और अगर इनके नीचे हम देखें तो ये पाए जाते हैं पछुआ पवने। और फिर ध्रुवों के पास जो भूमंडलीय पवन पाए जाते हैं वो होते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवन। तो इस तरह हम पूरे विश्व में देख सकते हैं कि ये भूमंडलीय पवन जो है इनका प्रारूप कैसे देखने को मिलता है। और इन भूमंडलीय पवन के प्रारूप से ही हमें वायुमंडल का समान परिसंचरण पता चलता है। अब ये भूमंडलीय पवन जो है जो उच्च दाब से निम्न दाब पट्टी की ओर बहते हैं पूरे वर्ष भर, तो इनके बहने के कारण जो है पूरे पृथ्वी पे हमें कुछ कोशिकाओं का निर्माण देखने को मिलता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि कैसे ये भूमंडलीय पवन जो है ये बहते हैं और कैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये हैं व्यापारिक पवने जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आके अभिसरण करते हैं। और यहाँ विषुवत वृत्त के पास उच्च सूर्य ताप होने के कारण निम्न ताप क्षेत्र होता है,
इसीलिए ये जो व्यापारी पवने हैं ये यहाँ पे आके अभिसरण करते हैं। और फिर ये व्यापारी पवने जो हैं यहाँ हम देख सकते हैं कैसे ध्रुव की ओर बहते हैं, प्रभावित होते हैं। और जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर प्रभावित होते हैं ये ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं और फिर ये नीचे गिरने लगते हैं, यानी वहाँ पे उच्च दाब, जहाँ ये उठते हैं और ठंडे होते हैं वहाँ पे ये उच्च दाब क्षेत्र बनाते हैं और फिर ये ठंडे होके नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह ये जो व्यापारी पवने जो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे गर्म होते हैं और विषुवत वृत्त से ये ध्रुवों की ओर प्रभावित होना शुरू होते हैं और फिर ये ऊपर जाके ठंडे होके उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं और फिर ये नीचे आ जाते हैं व्यापारी पवने। तो इस तरह गर्म हवा के ऊपर उठने और नीचे गिरने के कारण जो है यहाँ हम देख सकते हैं कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये विषुवत वृत्त के पास जो यहाँ पर कोशिकाएं बनती हैं इन्हें हम कहते हैं हेडलिकोस। अब इसी तरह के कोशिकाएं जो हैं वो अन्य अक्षांशों पे भी बनते हैं। तो हेडलिकोस के ऊपर जो कोशिकाएं बनते हैं उन्हें हम कहते हैं फेरल कोस्ट। और फेरल कोस्ट के ऊपर जो कोशिकाएं बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय कोस्ट। और ये तीनों कोस्ट जो है हेडली कोस्ट, ध्रुवीय कोस्ट और फेरल कोस्ट, ये पूरे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, यानी ये कोस्ट हमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में देखने को मिलता है। क्योंकि ये प्रक्रिया जो है यानी गर्म हवा का ऊपर उठना और फिर ऊपर उठ के वहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र बनाना और फिर वो ठंडे होके नीचे गिरते हैं, तो इस प्रक्रिया जो है ये पूरी पृथ्वी पे चलती रहते हैं विभिन्न अक्षांशों पे। तो इसीलिए विभिन्न अक्षांशों पे हमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो होते हैं ये तीन प्रकार की कोशिकाएं, हेडले, फेरल और ध्रुवीय कोष्ठ। अब इन कोष्ठों को हम यहाँ पे फिर से समझेंगे चित्र के द्वारा। तो यहाँ जो विषुवत वृत्त के पास हमें देखने को मिल रहा है ये है हेडली कोष्ठ और इनके ऊपर होते हैं फेरल कोष्ठ और ध्रुव के पास होते हैं ध्रुवीय कोष्ठ। और ये कोष्ठ जो है वायुमंडल के समान परिसंचलन के लिए पैटर्न निर्धारित करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वायुमंडल का समान परिसंचलन कैसे होता है और इसके अंदर हमने जाना कि विभिन्न प्रकार के भूमंडलीय पवन के बेल्ट जो है वो पृथ्वी पे कैसे पाए जाते हैं विभिन्न अक्षांशों पे और कैसे ये भूमंडलीय पवन जो है ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और यही कोशिकाएं जो हैं वो वायुमंडल के समान परिसंचलन का प्रारूप निर्धारित करते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ स्थानीय पवनों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।